देखना गवाना मत दौलते यकी लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों। सर, हमने आजादी को बड़ी जद्दोजहद, हमारे जो अबाओ अजदाद थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, और बड़ी कुर्बानियों के बाद जो चीज हासिल की जाए, कहते हैं कि उसकी कदर भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है। तो एक तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस चीज की कदर करें और उसे एक सही सिमत में लेके चलें। सर, क्या आपको लगता है कि हम जो लोग हैं, जो भी जनरेशन अभी पाकिस्तान में है, क्या सर वो सही सिमत में बढ़ रही है, आजादी का सही इस्तेमाल कर रही है, और क्या वो अपने मीरे कारवां के पीछे एक दुरुस्त सिमत में गामजन है या नहीं? सर, नाज़िर, सबसे पहले तो हमें ये डिटरमिन करना होगा कि आजादी एक्चुअली है क्या और क्या हम आजाद हैं। आजादी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंस, इसका मतलब है डिपेंडेंस से आप आजाद हो जाते हैं। डिपेंडेंट नहीं रहते आप किसी के। तो क्या आप ये फील करते हैं कि पिछले 74 साल में कभी भी हम डिपेंडेंट नहीं रहे? नहीं सर, हम तो रहे हैं। मतलब अगर फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अपना ओपिनियन दूं तो हम डिपेंडेंट हैं बहुत से मामलों में। और क्या, और दूसरा उसे उसे फ्रीडम भी कहते हैं। अगर फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, फ्रीडम है, ये फ्री है, आप हर एनकम्बरेंस से फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम, हमें इस चीज का इदराक है कि हम लोग आजाद नहीं है? बिल्कुल। अगर आप आजाद नहीं है तो आपका, आपकी आजादी भी नहीं है, यौम आजादी भी नहीं है, और जश्न आजादी भी नहीं, ठीक है? बिल्कुल। तो जिस चीज का इदराक नहीं है तो उसका वजूद क्या होगा सर फिर? एग्जैक्ट। बाकी चीजें तो आप सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? और अगर नहीं है, अगर आपको इदराक होना शुरू हो गया, इन लोगों को इदराक है, तो क्या उन्हें इस चीज से दिलचस्पी है कि हम इंडिपेंडेंट हो? क्या उस चीज से दिलचस्पी है कि हम फ्री हो जाएं? फ्रीडम की हमेशा एक कीमत होती है, आजादी की कीमत, ठीक है ना? वो कहते हैं हैवी इज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। अगर आजादी एक ताज है, तो उस ताज के पहनने से आप पे एक जिम्मेदारी आ जाती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आपकी आजादी एक मखसूस दिन मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकाल के और झंडे उठा के और सारे शहर में तूफान बदतमीजी बर्पा करना, उस तक महदूद है? क्या आप इस चीज, आपको इस चीज का एहसास है कि जिस झंडे की कदर में या जिस पेट्रियटिज्म या जिस आजादी के लिए आप ट्विटर के और फेसबुक के सफों के सफे स्याह कर देते हैं, वो है क्या चीज? एक चीज तो ये हो गई, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए एक लम्हा फिक्रिया, एक पॉइंट टू पॉन्डर छोड़ना चाहता हूँ कि हम लोग सोचें कि क्या हम हैं। दूसरी बात यह कि जिन लोगों को इदराक है इस चीज का, क्या वो उसके लिए एफर्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या हमें आजादी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये चीजें जब तक आप ये चीजें नहीं सोचते, उस वक्त तक बाकी सब चीजें बेमानी हो जाती। जुबान से कह भी दिया तो क्या हासिल? बिल्कुल ऐसे, जुबान से कहने का तो सर फायदा नहीं है। और आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरह हम उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना सर, उससे हमारे जहनी सतह का अंदाजा हो जाता है कि हम आजादी को लेते कैसे हैं। हमारे नजदीक आजादी साइलेंसर उतार लिए, बाजे बजा लिए, इरिटेट कर लिया दूसरों को। सर, आजादी की तो डेफिनेशन ही ये है कि आजादी आपकी वहां खत्म हो जाएगी जहां दूसरे की नाक चुभ होगी, लेकिन हमारे लिए आजादी ये है कि हम शूद्र पे मुहार हो जाते हैं। और इससे देखिए, चलें ये आप, आपका एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि जी कोई बात नहीं जी, ये बच्चे हैं, कॉलेजों के बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, एक दिन ये करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस आर्ग्यूमेंट से पेरेंट्स, टीचर और ग्रोन अप सोसाइटी जो है वो अपने आप को बेल आउट करने की कोशिश करती है कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो बच्चे हैं, ये तो इन्होंने गलती की है या जो भी किया है, तो ये एक दिन की बात है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उन इदारों और उन शख्सियात की तरफ जो बच्चे नहीं है स्कूलों कॉलेजों के। अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को मान भी लें और हम कहें कि जी चलें ये कोई बात नहीं है, ये होता है या हो गया, वन व्हीलिंग कर ली आपने, दो चार लोगों को आपने जख्मी कर दिया, गाड़ियां खराब की, बीमारों, तालिब इल्मों को, मुसाफिरों को आपने तंग किया, कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं सब, ये स्कूलों के, आपने ये आर्ग्यूमेंट मान लिया, आपको आज़ादी सहाफत चाहिए? साफी डंडोरा पीटते हैं ना इस चीज का कि जी आजादी सहाफत बहुत जरूरी है, आजादी चाहिए। आपको मैं एक चीज बताऊं कि आपके मुल्क के जितने बड़े, कोई ये भी तो सिखाया आजादी है क्या?
मैं बताता हूँ, मैं आई कम टू दैट एज़ वेल। अभी मैंने जैसे शुरू में कहा था कि डिपेंडेंस से आपको निकलना है, वो आज़ादी है, आपको इनडिपेंडेंट होना है, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये पॉइंट खत्म कर लूँ, फिर उस तरफ में आता हूँ। आपके जितने बड़े बड़े जगादरी सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट और गुरुज और ये एक्सपर्ट्स और ये सारे जो भी ये तमगे उठाए फिरते हैं और आज़ादी के झंडे उठाए फिरते हैं, अब तो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, दे कैन नॉट टॉलरेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इन्होंने जितने लोगों को ब्लॉक किया है सोशल मीडिया पे सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करने से, जितने लोगों को उन्होंने ब्लॉक किया, इट्स नॉट फनी। मुझे जितने आपके प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, खास मखसूस तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले सारे लोग हैं, उन सब ने ब्लॉक किया हुआ सिर्फ इसलिए कि मैं डिफर करता हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और समटाइम्स मैं डिफर भी नहीं करता, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन रेज करता हूँ। आजादी कहना, अगर आपकी आजादी ये कि जी मुझे खुला छोड़ दे, मैं जो मर्जी करूं, मैं जिसके कपड़े उतारूं, मैं जिसकी बेइज्जती करूं, ये आजादी है, तो फिर देन यू नीड टू थिंक। आजादी एक मेजॉरिटी का आजादी का कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा, अब नई चीज जो शुरू हो गई है लेटली, पहले भी होती थी लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी, दिस इज अ मैग्नानिमस माइंड बॉगलिंग लेवल जिसपे आपके इदारे चले गए हैं, जुडिशियरी जिसमें जजेज हैं उन्हें एक तरह की आजादी चाहिए, वकील हैं उन्हें एक और तरह की आजादी चाहिए। आप ये देखिए कि और अब ब्यूरोक्रेट्स भी, अभी ब्यूरोक्रेसी में जो चीजें हो रही है उसे आप देखेंगे, उन्हें भी आजादी चाहिए हर एक। आई मीन इस माइंड बॉगलिंग के हर एक अपने लिए कुछ भी कर सकने के लिए आजादी मांग रहा है। एक जज को जब उसके असासे या सोर्स ऑफ इनकम, जराए आमदनी बताने के लिए कहा जाता है, तो वो उसकी आजादी खतरे में पड़ जाती है, पूरी अदलिया की और इंसाफ जख्मी हो जाता है। एक सहाफी से जब ये कहा जाता है कि भाई जो बात कहते हो उस पर अमल भी करो, सिर्फ इतनी सी बात है, ये नहीं है कि आपको कोई और चीज करने के लिए कहा जा रहा है। जब आपको सेल्फ सेंसरशिप करने के लिए, सेल्फ मोरालिटी के लिए, सेल्फ यू नो इंट्रोस्पेक्शन करने की पहली चीज है आजादी के सबसे सबसे बुनियादी अंसर जिम्मेदारी है। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे आप आजाद नहीं हो सकते। दूसरे से जब आप खत्म करेंगे डिपेंडेंस तो जिस भी चीज की आपकी डिपेंडेंट थी, चाहे वो फाइनेंशियल थी, चाहे वो इमोशनल थी, चाहे वो मेंटल थी, चाहे वो किसी भी लेवल की आपकी डिपेंडेंस थी, वो खत्म करेंगे तो कहीं से तो पूरा करेंगे। अगर आपके लिए नॉलेज का सोर्स एक दोस्त नहीं चाहिए, इन्हें एक सेफ एग्जिट चाहिए, इन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए, एक सेफ एग्जिट चाहिए। क्वेश्चन ये है कि वो इन्हें कौन है, कौन है वो? मतलब सब ही, जिन्हें की आपने बात की, वो सहाफी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, इवन वो आम आदमी हो। मुझे चाहिए कि पूरी ट्रैफिक ठीक हो जाए इस मुल्क की, पूरी ट्रैफिक हो जाए, मेरे अलावा बिल्कुल छोड़ दें, मुझे इजाजत दे दें कि मैं जो मर्जी है जो कर सकूं वो छोड़ दें, बाकी सब आपने नहीं तोड़ना। यार ये हमारा पूरे कॉम का कॉन्सेप्ट मतलब है, एक ज़िनियत है और वही सर साफियों और उधर भी जाएगी। आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा, वो एक मीडिया डेवलपमेंट रूल और वो अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, उस पर भी बड़ा एतराज है साफियों को भी। मुहज्जब माशरों में अथॉरिटीज तो बनती है, एक इदारा होगा, एक फोर्थ पिलर है, तो उसे किसी ना किसी ने रेगुलेट तो करना है, तो सर उस पे भी एतराज है। देखिए, सबसे पहले आजादी की जो हम बात कर रहे थे, आपको मुख्तलिफ हुकूमतों ने, चाहे वो डिक्टेटरशिप्स हों, चाहे मार्शल लॉज हों, चाहे सिविलियन हुकूमत हों, चाहे जमहूरी हुकूमतें हों, उन सब ने किसी ना किसी तरह से मीडिया को कंट्रोल किया। किसी ने डरा धमका के किया है, किसी ने फ्रेमवर्क्स और पाबंदियां बना के किया, किसी ने पैसे दे के किया है। अगर आप ये समझते हैं कि जी पैसे लेके जो वो कहते हैं वो हम करते हैं वो ठीक है, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक, चाहे वो हमारा इंटरनली क्यों ना हो, चाहे आपकी जितनी साफी तो जेब गर्म होती है ना, ज़ाब्ता अखलाक में कहाँ जेब गर्म होती है। देखिए, यही तो चीजें सोचने की हैं। आप अवाम हैं, हम अवाम हैं, हमारा काम है ये सोचना कि एक सहाफी जो मुनाफकत कर रहा है क्या हमें उसे प्रमोट करना चाहिए, क्या हमें उसका काम पढ़ना देखना चाहिए, क्या हमें उनकी जो आजकल टीआरपी की जंग रहती है क्या हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्या हमें
उस आदमी को जो जो हमारे वेरी इंटरेस्ट के खिलाफ, हमारे मफादात के खिलाफ काम कर रहा है, क्या उसे हमें प्रमोट करना चाहिए? तो पॉइंट इज कि आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे और उन इंस्टीट्यूशंस को हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एक महजब मुआशरा, एक आजाद मुआशरा नहीं बन सकेगा। अब सॉरी सर, आपकी बात को टोक रहा हूँ, आपका ही पॉइंट है, लेकिन क्या हम ज़हनी तौर पे इतने बालिग हैं कि हम डिफरेंशिएट कर सके कि ये सहाफी अपने मफाद की जंग लड़ रहा है या वाकई मुल्क के लिए कुछ कर रहा है? हम तो ज़हनी बलूगत के उस लेवल पे है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं चलता। हमें तो मतलब जो जिस पार्टी की बात करेगा, हमें जो हम उसकी तहकीक में जाए बगैर उसे पब्लिक कर देंगे। ये तो एक हमारा वही हम जो एक गैर मजहब रवैया है वो हम इधर भी अप्लाई करते हैं। देखिए, हम इतना शऊर हो तो फिर इस चीज पे पहुंचे। ये फैसला किसे करना है? हम हमारी दिलचस्पियां क्या है, हमारी दिलचस्पियां क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, ये फैसला कोई और तो नहीं करेगा। बिल्कुल खुद कर। देखिए, इमरान खान जैसे कद आवर शख्सियत को अगर 25 साल लगे आपको ये समझाने में कि आपका पैसा कोई और ले जा रहा है, इस पे आपका हक है, ये आप पे खर्च होना चाहिए, किसी और को, अगर उस बंदे को ये 25 साल लग गए आपको ये चीज समझाने में, और आखिरकार ये नई नस्ल को ये चीज समझ आई, हम जैसे लोगों को अभी भी समझ नहीं आई, हम अभी भी कहते हैं कि यार जो जैसे चल रहा था वैसे चलने दें, जो हमारी नस्लें बर्बाद कर रहा था, पैसे ले जा रहा था, उसे आप ओए या तू या ये मत कह दें, क्योंकि इससे हमारी वैल्यूज खराब होती हैं। हमारी वैल्यूज चोरों बदमाशों को प्रमोट करने से, उनका तहफ्फुज़ करने से, उनकी सपोर्ट करने से खराब नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो देखिए, ये फैसला कोई और नहीं करेगा कि ज़हनी बलूगत का क्या हमारा लेवल है, ठीक है? अंग्रेज ने तो आपको बता दिया, पॉइंट दे रहा हूं ना, कि मतलब कोई किसी अब मैच्योरिटी की तवक्को उन्हीं से करते हैं कि जिनमें मैच्योरिटी हो। ये मैंने पहले भी शायद मेंशन किया था, ज़हनी बलूगत की बात करें, आपको आपको है आइडिया, जब ये अंग्रेज आए थे और इन्होंने सारा हमारा सिस्टम समझा था और इन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर साउथ एशियंस को, इन लोगों को कंट्रोल करना है तो हमें इनके निज़ाम तालीम के थ्रू करना होगा। लॉर्ड मैकाले ने इस पर बहुत काम किया था, उसी ने नया निज़ाम तालीम किया था। तो जब इन्होंने नया निज़ाम तालीम उसके हिसाब से बना लिया, तो इन्हें फिर इस पॉइंट पे पहुंचे कि जी अच्छा इम्तिहान लेना है, इम्तिहान लेना है तो उसकी पास परसेंटेज, पास फेल भी होगा जाहिर है उसमें, तो पास परसेंटेज क्या होनी चाहिए? तो दे डिडंट नो, बिकॉज यहाँ पे नहीं थे एक्सपर्ट। तो इन्होंने अपनी मलिका को, हर मैजिस्टी को इन्होंने लिखा, आई थिंक मलिका ही थी उस वक्त, या पता नहीं बादशाह था, जो भी था रॉयल, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इंग्लैंड में लिखा, इनका जी ये हम करना चाहते हैं तो पास परसेंटेज क्या होना चाहिए? तो उन्होंने देखा कि वहां पे पास परसेंटेज क्या है, तो 65%। इंग्लैंड में पास परसेंटेज 65%, ठीक है? तो बिल्कुल सीधा फैसला। उन्होंने कहा यार ये जो हिंदुस्तानी और ये साउथ एशियंस हैं, ये हमसे आधे तो होंगे दिमाग में, तो फिर उन्होंने कहा कि चलें फिर अगर आधे हैं तो फिर 33% कर दें। 74 साल हो गए आप हर तरह के बांसुरियां ढोल बजा रहे हैं, 74 साल में किसी को ये ख्याल नहीं आया कि जी हम उनसे आधे नहीं हैं? किसी में इतनी जुर्रत है, किसी वजीर तालीम में, वजीर आजम में, सदर में, मार्शल लॉ वाले में, कि वो ये 33% पे भी खुल गए, उस पर भी खुश नहीं है? आप चाहते हैं उससे कम हो जाए, आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए, आपको वैसे प्रमोशन मिल जाए, आपको कोई ना कोई और चीज मिल जाए, उस 33% को आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स बना के उसे और फैला दें वर्चुअली, जो अगर आप दो, तो आजादी किस चीज का नाम है? ज़हनी बलूगत कहाँ से आएगी? या आपको फैसला करना है, आपको जिम्मेदारी लेना है कि हम अंग्रेजों से, उनसे, दूसरों से बढ़ के मारने से आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें अपने मेयार को बुलंद, बेस लाइन ऊपर लानी होगी, मेयार को अमल से साबित करने की जरूरत है ना। कहने को तो कोई भी कह सकता है, लेकिन सर जब तक अमल से साबित नहीं करेंगे हम उधर के उधर ही रहेंगे। तो आपके इतने बड़े बड़े सियासतदान और जर्नैल और जज और ये लीडर्स और हुक्मरान और सहाफी और दानिश्वर, ये जो बड़के मारते रहते हैं 74 साल हो गए हैं, ये इन लोगों को किसी को एहसास नहीं आया कि जी आपको निजाम, ये नहीं है ये काम भी इस टॉपिक पे बात करते सुना, मैं को भी देखा जाए अगर आप उसके सामने ये बात करेंगे तो उसके लिए ये बोरिंग टॉपिक है, उसके लिए मसाला सियासत वो उन चीजों पे जोर देगा, तो ये तो हमारा आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है सर। तो फिर आजादी काहे की चाहिए आपको? कौन सी आजादी चाहिए? यही एंजॉय करें जो आपने 74 साल एंजॉय किया, अगले 74 साल भी यही एंजॉय करें।
ठीक है ना, इससे नीचे ले जाएं थोड़ा सा, आप 33% के बजाय 17% पे ले जाएं, इससे भी कम कर लें। देखें आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, हम लोगों को सबको अपने अपनी मुसलमानों के उरूज का, बनू उमैया के जमाने में ये उरूज था, बनू अब्बास में ये उरूज आ गया, फिर स्पेन में हमने ये कर दिया, फिर तुर्की में अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले आपने अर्तुरुल का जो ड्रामा देखा होगा, जो खिलाफत उस्मानिया जिसे हम कहते हैं, उस्मान के वालिद थे अर्तुरुल, तो उनका अभी रिसेंटली चला था, टर्की ने आपको गिफ्ट किया था वो ड्रामा। लेकिन उसमें एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या रोल है? बता मतलब हमारी ये बड़ी बुरी आदत है कि हम मतलब जहां जहां फतुहात होंगी उसे अपने ऊपर रिलेट कर लेंगे, भाई हमने क्या किया उसमें? देखिए बात यह है कि आपको ये फैसला करना है कि आपको कितनी आजादी चाहिए, कैसी आजादी चाहिए और कहाँ तक आजादी चाहिए। क्या आप एक मुल्क हैं, क्या आप एक कौम है, क्या आप एक उम्मत हैं, आप हैं क्या चीज? ठीक है, अगर आप उम्मत हैं तो अपने बॉर्डर सब मुसलमानों के लिए खोल दें, जैसे जैसे इसराइल ने खोले हैं। ज्यूज दुनिया से कहीं से भी इसराइल जाना चाहते हैं, दुनिया में दो आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, इसराइल और पाकिस्तान, डिफरेंस देख लें, ठीक है ना? बिल्कुल, सारे मत लगाएं, मुसलमानों को आने दें, कहीं से भी वो आते हैं फिर आप आइडियोलॉजिकल स्टेट बनते हैं, ठीक है ना? एक चीज तो अगर आप उम्मत नहीं है तो फिर ये आप इतने अपने ये छाती चौड़ी करके मत चलें कि जी अर्तुरुल ने ये किया था और हारून रशीद ने वो किया था और फला ने ये किया था, ये मत करें ना, ये मत करें फिर। बिल्कुल सही है सर, माजी बेशक शानदार सही, आप जैसे भी उसे रिलेट कर लें, अब हाल में क्या है दैट मैटर्स। देखिए आजादी और गुलामी दोनों यहाँ होती है जहन में आपके, आपके इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ यू। अल्लामा इकबाल ने कहा था, उन्होंने कहा था, आजाद की रग सख्त है मानिंदे रगे संग, महकूम की रग नर्म है मानिंदे रगे ताक। इसमें और भी बहुत से शेर हैं लेकिन आखिर में उन्होंने कहा, मुमकिन नहीं महकूम हो आजाद का हम दोष, ये बंदाए अफलाक है वो ख्वाजाए अफलाक। ठीक है ना, ये फर्क है, सिंपल। तो जबरदस्त बात उन्होंने की, अगर उसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो इसके अलावा तो हमें किसी और फिक्र नजरिए की जरूरत ही नहीं है। देखिए ना, बात वहीं पे आ जाती है कि आप आजाद होना चाहते हैं या नहीं चाहते, या जो कुछ आपके पास है उसी को आप आजादी कह के और आप बाजे और तालियां और ढोल बजाना चाहते हैं तो वो तो आप कर रहे हैं ना। अगर आपको आजाद होना है तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है, आपको टैक्स देना है, आप टैक्स देने के लिए तैयार है, आजाद होना है आपको IMF से, आपको अमेरिका से, दूसरे मुल्कों से आपको आजाद होना है तो टैक्स दे देना, आपके पैसे हैं आप पे लगेंगे तो आप आजाद हो जाएंगे, आपको दूसरों के पैसे नहीं चाहिए होंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? अभी आपने आफ्टर ऑल दिस टाइम, आई कीप कमिंग बैक टू प्राइम मिनिस्टर बिकॉज वी डिड नॉट हैव ए लीडर ऑफ दिस कैलिबर इन द एंटायर रीजन इन मॉडर्न हिस्ट्री। अब उसकी बातों से आके अब ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बजाय हुंडी के और दूसरे यू नो अनकन्वेंशनल सोर्सेज से पैसे भेजने के, फॉर्मल और ऑफिशियल सोर्सेज से भेजने शुरू किए हैं, आपकी तरसीलात बढ़ गई हैं, रिकॉर्ड तरसीलात हो रही हैं, उसका फायदा हो रहा है, इट इज ब्रिंगिंग आजादी टू यू, आजादी आ रही है आपके पास। जब आप इस मुल्क से पैसा इकट्ठा करके यहाँ से निकाल के दुबई में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप आजाद नहीं है। जब उन लोगों और पेट में मरोड़ आगे उठते हैं, तारकीन वतन जिन्हें आप कहते हैं, या वो लोग जो बेचारे इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं या जो यहाँ से गए हुए हैं, दो दो तीन तीन साल अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, वो वहां से आपको पैसे इकट्ठे करके अपना पेट, एक एक कमरे में छह छह लोग रहते हैं, बेचारे जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारते हैं, वो जब ये कर रहे होते हैं और आप कहते हैं ये तो डबल पासपोर्ट है इसके पास तो ये, इसकी तो लॉयल्टी मशकूक है, ये तो इसे तो आप वो मुकाम देने के लिए तैयार ही नहीं है। कौन सी आजादी आप चाहते हैं ये डिसाइड करें, आपको किसकी गुलामी चाहिए? IMF आपका बॉस है या ओवरसीज पाकिस्तानीज आपके बॉस है या आप अपने बॉस खुद हैं? आपकी एग्रीकल्चर कंट्री है ना हम, आपकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस रीजन के किन मुल्कों से ज्यादा है, किससे आपका कंपेरिजन है दुनिया में, किससे है कंपैरिजन, किससे कर रहे हैं उससे आपको पता चलता है कि आप आजाद हैं या गुलाम। और हम उसमें भी किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमसे दूसरे मुल्कों की
जो है पैदावार वो ज्यादा अच्छी है प्रोडक्शन। तो आजादी आप अपने गिरेबान में झांके आपको पता चल जाएगा कि आप आजाद हैं या नहीं है। हमें तो आजादी का पता नहीं है। मैं एक बहुत बड़े सेंसिटिव टॉपिक की तरफ लेके जाऊंगा आपको, आयशा अकरम वाला जो टॉपिक है, अभी तक हम उसमें यही क्लियर नहीं हो सके कि ये वाकया है क्या। आई थिंक ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर हमें पूरा एक सेगमेंट करना चाहिए, लेकिन ब्रीफली तीन चार इसमें पॉइंट्स हैं जो मैं अभी क्विकली उन्हें टच करता हूँ, लेकिन वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस इन मोर डिटेल। एंड मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ करनी चाहिए टाइमली बात एक, इस पर आप हो जाएंगे आप बताएंगे तो शायद हमारे सुनने वालों को इसमें थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्त इसमें इन्वॉल्व हों, अपना कंट्रीब्यूशन दें। देखिए आपको तीन चार इसमें से बातें नजर आती हैं, इसमें बहुत सिंपल और सीधी सी बात है, और मैं थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था आज़ादी के हवाले से वो इसका एक अहम हिस्सा है। सबसे पहली चीज ये है कि एक बच्ची है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी उसका उसके सर्कमस्टेंसेज हैं, जो भी हैं, वो जो जिस कौम को, जिस मुल्क को, जिसके झंडे को आप बुलंद करना चाहते हैं, जिसे आप आज़ाद देखना चाहते हैं, जिसे आप ऊपर ले जाना चाहते हैं, उसी कौम की एक बच्ची है, उसकी पाकिस्तानी शहरी है, बिल्कुल ऐसे। उसने कुछ किया, कहीं पे जाके कुछ किया, पब्लिक में किया, ठीक है, उसके उसके जो भी मकासद थे, जो भी अवामिल, लेकिन वो बच्ची थी। आपका हिंदुस्तान पे आपके मुसलमानों के हमला करने का सबसे पहला जवाब ये था, जो हमें किताबों में पढ़ाया गया था कि जी राजा दाहिर के डाकू जहाजों को, ताजर मुसलमान ताजरों के जहाजों को लूट लिया करते थे, अस्मत दरी करते थे खवातीन, तो एक बच्ची ने पुकारा तो मोहम्मद बिन कासिम को अजाद बिन यूसुफ ने भेजा, उसमें दास्तान भी होगी लेकिन कहा यही जाता है। देखिए आपको अपनी ट्रेडिशन को और अपनी जो भी हिस्ट्री आपको बताई गई उसी को लेकर आगे चलते, ठीक जी जी बिल्कुल। अगर आपका ये जवाज था यहाँ आने का और ये जवाज था यहाँ पे रहने का और ये जवाज है आपके आपकी अखलाकियात की बुनियाद ये है, आपके मजहब की ये है, तो उस मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा था कि उस बच्ची का कैरेक्टर कैसा है, उस बच्ची की जो क्यों जा रही थी, उस बच्ची ने कैसे कपड़े पहने हुए थे। अगर उसने नहीं पूछा था और उस आप अपने सीना चौड़ा कर करके मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो बनाते हैं और इस जगह को आप अपना घर बनाते हैं कि जी हम यहाँ पे इसलिए आए थे और इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है और हम सबसे बेहतर कौम है और उम्मत है, तो आपको कैसे आपको इस चीज की जरूरत कैसे हुई कि आप किसी के कैरेक्टर के जज बने। एक चीज पहला पॉइंट ही है ये सब सोचने के लिए, मैं कोई राय नहीं दे, बिल्कुल ऐसे ही कि आप पहले ही जजमेंट कैसे हो गए उसके बारे में। दूसरी बात यह है कि जो आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपकी आजादी या किसी की भी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। वो बच्ची पाकिस्तान की शहरी है, मुसलमान है या नहीं है इसे आई डोंट नो, लेकिन उसका एक जाब्ता अखलाक होगा, उसका एक तरीकेकार होगा, उसकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे लोगों की बिल्कुल उसकी भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही इस मुल्क की एक ट्रेडिशन है, एक वैल्यू सिस्टम है, एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक माहौल है जिसमें आप करते हैं, उस माहौल में जो चीजें एक किसी भी पाकिस्तान शहरी को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो भी कर रहा है, क्या उसे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सब चीजों को जेहन में रखते। आपकी आजादी क्या इस चीज से मुतासर होती है कि आप उस एक जाब्ता अखलाक को, एक फ्रेमवर्क को फॉलो करें, क्या आप पे आज़ादी की वजह से कोई जाब्ता अखलाक या फ्रेमवर्क लागू नहीं होता, नंबर दो। नंबर तीन चीज़ ये है कि क्या इसमें कोई बैरूनी साजिश थी, ये भी एक कॉमन आ रहा है कि जी अफगानिस्तान की सूरत हाल से जो हमारी अजीम फतह हुई अफगानिस्तान में, तो जिसके बारे में हम एक और टाइम पर बात करेंगे, उससे तवज्जो हटाने के लिए हमारे दुश्मनों ने ये स्टेज किया ताकि ट्विटर के जितने भी आपके और सोशल मीडिया के फारिग लोग थे वो सब ने इस पे बात करना शुरू कर दी। तो क्या मुझे ये बताइए कि आप क्या इतने फ्रेजाइल और इतने कमजोर हैं कि कोई भी दुश्मन आ कहीं से भी आके आपकी आजादी को एक मिनट में एक बच्ची के और 400 लोगों के थ्रू सल्व कर लेता है। ये वही चीज है, वही चीज है जो नेटो अमेरिका दुनिया की ताकत तरीन आप इतनी ही भेड़ चाल है कि कोई आपको किसी सिमत में हांकेगा और आप हांके जाएंगे। इस आर्गुमेंट की इसकी सतहियत आप इसी से देख लें कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका, नेटो, इंडिया इन सब का हाल हुआ है,
उसका वो जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे रहे हैं। दुनिया की ताकतवर तरीन और अमीर तरीन अकवाम और दुनिया की तारीख में सबसे ताकतवर फौज नाकाम होके जा रही है, वो एक मुल्क को जो अपना बोझ नहीं उठा सकता, जो कर्जों पे जिंदा है, उसे इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी उसने उन्हें बर्बाद कर दिया। तो क्या हम लोग ये नहीं कर रहे हैं? इस बच्ची आयशा के केस में हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी दुश्मन ने आके उन 400 पाकिस्तानियों को वो तरह से ब्रेन वॉश करके या हिप्नोटाइज करके उन्हें वहां भेज दिया कि आप जाएं, और कपड़े फाड़े नहीं फाड़े, 400 थे लोग नहीं थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने ये सब जो आते हैं। लेकिन चौथी और आखिरी बात जो इसमें से मैं करना चाहता हूँ, वो जो मैं पहले बात करने वाला था उससे रिलेटेड है। एक एक शोशा छोड़ा जा रहा है, टिकटॉक बंद कर दें, बेहयाई फैल रही है, फेसबुक बंद कर दें, बेहयाई फैल रही है, यूट्यूब बंद कर दें, बेहयाई फैल रही है। देखिए ये सब टूल्स हैं। आपके पास गाड़ी है, आप मस्जिद जा सकते हैं उस गाड़ी में, आप कहीं भी जा सकते हैं, मार्केट भी जा सकते हैं, आप किसी भी जगह जाना चाहें, वो एक टूल है, एक डिवाइस है, एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है, उसे आप किसी लिए भी यूज़ करें। बंदूक को आप अपनी हिफाजत के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप बदमाशी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैं पहले जो मैं खिलाफत की और उसकी बात कर रहा था सल्तनत उस्मानिया की, हुआ ये था कि जब जर्मनी ने प्रिंटिंग प्रेस से ईजाद किया था तो हमारे उलमा ने फतवा दे दिया था कि ये शैतान जी, ये हराम जी। प्रिंटिंग प्रेस किताबें छापने के लिए एक मशीन ईजाद हुई है, वो मशीन कुरान भी छाप सकती है, वो मशीन हदीसों की किताबें भी छाप सकती है, वो आपका इल्म पूरी दुनिया में फैला सकती है, लेकिन आपने उसे हराम करार दे दिया। अगले 600 साल प्रिंटिंग प्रेस हराम रहा, और आपको पता है क्या हुआ? ये हुआ जो अब हो रहा है, ये उसका नतीजा है। बिल्कुल ऐसे जहालत में जाते गए, क्योंकि उनकी लिए पढ़ने के लिए दुनिया के जितने भी कंटेम्प्रेरी उलूम थे वो नहीं आ सके। ठीक है, उन्होंने जिन लोगों को जो काफिर और जो मुशरिक और जो जिनकी तहजीब बर्बाद है और जो लोग आपके लिए एक हकीर कीड़े मकोड़े से ज्यादा हैसियत नहीं रखते अखलाकियात की वजह से, इब्नुल हैसम को उन्होंने, इब्न रुश्द को, इब्न खुलदून को, उन सबको उन्होंने रेप्लिकेट किया, प्रिंट किया उनकी किताबों को पूरी दुनिया में। और हम इधर हराम हलाल की जंग में बैठे रहे दुनिया कहां से हम हराम। अब आप वही चीज करना चाहते हैं, जब से 95 से वर्ल्ड वाइड वेब जब से इजाद हुआ है और जब से ये फैलना शुरू हुआ है, एवरी अदर मंथ और एवरी नाउ एंड देन ये बंद कर दो, बंद कर दो, फेसबुक पे पाबंदी लगा दो, और लग भी रही है। ये नहीं कि सिर्फ लोगों में फायदा कोई नहीं हो रहा, रीजंस को एरेडिकेट नहीं करना, उनको खत्म नहीं करना, टूल्स पे पाबंदी लगा देनी है। एग्जैक्टली मतलब आप बंद कर दो, डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो, भाई रीजंस को खत्म करें ना आप। और ये नहीं है कि सिर्फ ये अवाम का एक टोला है जो आके कह देता है और वो शोर मच जाता है, ये आपकी हुकूमतें उस पर अमल कर रही हैं, पाबंदियां लग रही हैं बार बार। और इवन अभी अभी इमरान खान की हुकूमत में ऐसे ऐसे गधे पड़े हुए हैं कि वो अभी भी उन्होंने अभी टिकटॉक पे लगा दी थी पाबंदी। आपकी जुडिशरी में ऐसे 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 लोग बैठे हुए, यहाँ कुछ कहने से ब्लास्फेमी होती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है मुझे जेल जाने की, इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो खामखा, लेकिन बात यह है कि आप अगर आजाद हैं तो आजाद लोगों आजाद कौमों की तरह बिहेव भी करें ना, बिहेव भी करें, बिल्कुल माइंडसेट भी वो रखें, सोचे भी वैसे, बिहेव भी वैसे करें। टूल्स पे पाबंदी, आजादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो सोचना और बिहेव करना तो बात की बात है ना सर। टूल्स पे पाबंदी लगाने से आपकी अखलाकियात बेहतर नहीं होती, आपकी अखलाकियात बेहतर करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अपनी अखलाकियात बेहतर करें, पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे बच्चों के साथ, इस बच्ची के, आयशा के, बाकी लोगों के, इनके पेरेंट्स होंगे क्या इस वाके के बाद? इससे पहले क्या उन्हें पता था कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या इसके बाद उन्होंने उन्हें बिठा के पूछा कि बेटा या बेटी या जो भी क्या हुआ था? नारुल हसन ये इडियट जो इकरारुल हसन के बारे में मिक्स बातें हैं, लेकिन ये शामी एस्टेब्लिश्ड चोर है, इसका बाप भी और इसकी फैमिली चोर है, इन्होंने इन्होंने सियासी फायदे उठा के इन्होंने इन्होंने रिश्वतें ले के और इन्होंने प्रमोट किया एक खास नुक्ता नज़र को,
उस बंदे को आपकी कौम के बाप ही हैं इकरारुल हसन और यासिर शामी, ये जाके हर चीज का करेंगे, ये उसे करेंगे। उस बच्ची को कोई नहीं जानता था, उसकी तस्वीर कहीं नहीं थी। दूसरे टूल्स थे ना जिन्होंने फेमस किया इसे, इन्हें भी सोचना चाहिए था। हम अंधाधुंध कान की मतलब कान हमारा इधर लगा होता है, हम कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ते हैं। इस अप्रोच को भी खत्म करना चाहिए, हमें जिम्मेदारी और ऑब्जेक्टिविटी रखनी चाहिए। अच्छा इसमें अब जी हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप सही है। इसमें अब ये हुआ है, अब इसमें 60-70 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ठीक है, बाकी लोगों की अभी वो कर रहे हैं। अब इन लोगों का क्या होगा? इन लोगों को या छितर पड़ेंगे, या इनके खिलाफ पर्चे कटेंगे, या इनकी जिंदगी वैसे बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं ये क्यों तमाश भी नहीं करने गए थे, ट्विटर पे मशहूर होने गए थे, टिकटॉक पे या जो भी, मुझे ये समझ नहीं आती। टिकटॉक में व्यूज ही होते हैं ना, व्यूज ही चाहिए होते हैं, तो इतना तो बेचारे समझदार थे नहीं या जो भी था, मतलब वो व्यूज के चक्कर में ही वो इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे आप व्यूज के चक्कर में? अगला आपका एकदम क्या होगा मुझे ये नहीं, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो आपको उनकी ज़हनी सलाहियत का बता रहा हूँ कि इतनी ही थी बस। नहीं से मैं पूछ रहा हूँ अपने, मैं उन्हीं दोस्तों से पूछ रहा हूँ कि टिकटॉक के लिए आप किस लेवल तक जाना पसंद व्यूज के लिए? आपने देखा है वही काफी वही लोग जो जिनके मुआशी माली मफादात वाबस्ता इन चीजों से, वो लोग ये चीज कर रहे हैं। अब वो कैश करेंगे इसे मजीद। कैसे आप पैसे बनाना चाहते हैं? हलाल और हराम की तमीज आपकी है, किसी और की नहीं है, आपको डिसाइड। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सिर्फ वही आप बुनियादी बात। आजादी कतई तौर पे आपकी ज़हनी पैदावार, इसमें किसी और का, किसी और का कंट्रीब्यूशन सिर्फ सानवी है। बिल्कुल अगर आप आजाद नहीं होना चाहते तो आपको अल्लामा इकबाल क्या, कायदे आजम क्या, कोई भी आजाद नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, कोई आपके पिंजरे का ढक्कन खोल भी दे आप उड़ने ही नहीं चाहते, तो आजादी किस बात की? वो क्या स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसे कहते हैं, इसमें हॉस्टेजेस से आप इतने मानूस हो जाते हैं कि आप उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है, आप खुद नहीं बाहर जाना चाहते उस कैद से, उस पिंजरे से। इतने मानूस सयाद से हो गए, अब कफस से निकल कर किधर जाएंगे? यही कुछ हाल है, ऐसा ही है। तो फिर आप एक्सेप्ट करें ना, इतनी ये आजादी, मतलब अब सो कॉल्ड से आजादी कहना भी चाहिए या नहीं, हमें इतनी रच बस चुकी है ना कि हमें लगता है कि यही है। हम इससे परे आउट ऑफ द बॉर्डर या कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखने नहीं चाहते कि आजादी ब्रॉडर सेंस में है क्या। देखिए हम लोग सिर्फ मैसेंजर हैं, हमारा काम यहाँ बैठ कर अपने दोस्तों से ये बात करना, ये पॉइंट आउट करना, ये सवाल करना है। हम ना ज्यूरी है, ना जज है, ना कोई सूफी है, ना वली है, ना कुछ है। हमारा ये मीडिया में एक नजर दे रहे हैं लोगों को कि आप इस पे भी सोचें, सोचें और आप डिसाइड करें। ये आपके लिए कोई फैसला नहीं कर सकता। आपको अपने साथ जिंदा रहना है, आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका मुआशरा क्या बनेगा। सर आप लोग किसी और से सिंसियर हो या ना हो, एटलीस्ट अपनी जात से होते हैं। ये आपकी जात का फैसला है और आपने अपनी जात के बारे में डिसाइड करना है। नहीं होते, यही मसला है। हम लोग वी आर कैटेगोरिकली मोस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पीपल ऑन दिस अर्थ ऑफ गॉड। हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं। हम लोग, हमारा इखलास जो है ना, हमारा उस नादान दोस्त वाला इखलास है जिससे आपको दाना दुश्मन चाहिए, आपको बाहर से बात चाहिए। वो कहते हैं दोस्त हर ऐब छुपा लेते हैं, कोई दुश्मन भी तेरा है कि नहीं? आपको वो चाहिए, आपको वो दुश्मन चाहिए जो आपको ये बताए कि भाईजान ये आज़ादी है या वो आज़ादी है। आपको आज़ादी चाहिए या आपको आज़ादी नहीं चाहिए? मेक अप योर माइंड, अपना क्लियर करें। से ये मत करें कि जी डंके आप आजादी के पीट रहे हैं और निजात आपको IMF से चाहिए और टैक्स देने के लिए आप तैयार नहीं है, मतलब कागजी आजादी, इशारे पे आप खड़ा होने के रवादार नहीं है, और गालियां आप हुकूमत को और ट्रैफिक के सिपाही को। मैं आपको ये बताऊं, ये इट्स अ वेरी कॉमन अकरेंस। मैं पाकिस्तान में जब भी मैं होता हूँ, लाहौर में ज्यादा, इंतहाई गलीज ट्रैफिक है। कहते हैं किसी कौम, किसी फैमिली की आपने देखना है वैल्यूज को, उनका किचन और बाथरूम देखें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि उनकी वैल्यूज क्या है, नॉट जस्ट उनका लाइफस्टाइल, उनकी वैल्यूज वहां से आपको पता। किसी कौम को आपने देखना है तो उसकी ट्रैफिक देखें, आपको उसकी अखलाकियात हर चीज का पता चल जाएगा। और उस पे तो हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि ट्रैफिक का क्या हाल है। अभी बाहर निकले घर से, खिड़की से बाहर झांके और देख लें। ये हम लोग सर,
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दूसरे नहीं है, ये हम है। आजादी चाहिए, ब्रेक लगाएं, ट्रैफिक लाइट पे रुकें, ट्रैफिक के सिपाही की बात, वो आपके बाप का नौकर नहीं है, उसे जितने आप मामूली से पैसे देते हैं और पूरा दिन उसे आप धूप में और गर्द में और खड़ा रहता है और गालियां देते हैं आप और बुरा भला कहते हैं और जो भी उससे बात से उन्हें नवाजा जाता है, एंड दिस इज अदर देन जो उनके साथ उनके अफसर करते हैं और जो उनके साथ उनकी हुकूमत करती है, ये उससे लेता है। मैं तो अवाम की बात कर रहा हूँ। IMF चाहिए, टैक्स दे, अच्छी कौम बनना है, जिम्मेदार कौम बने, आजादी चाहिए तो आजादी के लिए कुर्बानी दें। बिल्कुल, इससे बिल्कुल फैसला आपको करना है, आप आजाद हैं नहीं है, आपको होना है नहीं होना, अगर नहीं होना तो फिर छोड़ें, बात खत्म करें, रहें जैसे बेशुमार कौमें हैं, बेशुमार लोग रह रहे हैं, वो रहते जा रहे हैं। फिर हमें डंडोरा भी नहीं पीटना चाहिए अगर हम अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, आजादी की असल रूह में उतरने के लिए तैयार। IMF से आपको आजादी चाहिए, लेकिन अभी आपके वो लुटेरे डाकू जो जिन्होंने हुकूमतें की यहाँ पे और जिन्होंने पैसा लूटा है, अभी वो आपको कॉल देंगे, आपको बिरयानी की एक प्लेट और कीमे का एक नान देंगे, तो आप भागते हुए जाएंगे, वहां जाके आप नज़ारे देखेंगे उनके लीडरों के और आप वो बिरयानियाँ खाएंगे और फिर आके आप नारे लगाएंगे कि जी हुकूमत ऐसी आजाद नहीं होती है, IMF के कर्जे में हमें इन्होंने जंगल में जकड़ा। वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हम बिरयानी की प्लेटों और शरबत के गिलास पे दे देते हैं, तो ये तो हमारा एक मतलब माइंडसेट है जिसे चेंज होने की जरूरत है। आजाद होना है तो आपको एवरी डे एवरी मिनट अपनी लाइफ में आजादी को इनकॉर्पोरेट करना होगा। आपको खुद मुख्तार कौम बनना है तो उसके लिए जो आपको कुर्बानियां देनी है, जो मेहनत करनी है वो करनी होगी। There is no shortcut to it. There is absolutely no shortcut. आज जब आप यहाँ से हटें, अपने गिरेबान में झांकें, अपने आप से ये आप मशवरा करें, डिसाइड करें और फिर उसकी बेसिस पे आगे चलें, अगर चलना है, नहीं चलना तो वो जाएं वहाँ खुश रहें, अपने आप को ये धोखा मत दें और दूसरों को आज़ादी और गुलामी की क्लैरिटी लाएं अपने जेहन में और उसे स्टिक करें। फिर आजादी के ट्रक के पीछे मत लगाएं किसी को। सर बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बात के साथ मतलब इख्तिताम किया प्रोग्राम का और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारे मेरा लास्ट पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अपने दोस्तों से कि बहनों बच्चियों माओं बहनों की आजादी आपकी आजादी से एसोसिएटेड है। आप अपने अखलाक पे अपने किरदार पे तवज्जो दें और उन्हें अपने अखलाक पे अपने किरदार पे तवज्जो दें देने दें। सबका अपना अपना किरदार है, सबका अपना खुदा है, सबका ईमान है, सबको अपनी कब्र में जाना है, सबको अपना हिसाब देना है, सबका मुल्क है, हर एक को इंडिविजुअली ये फैसला करना है। आप किसी के जिम्मेदार नहीं, किसी दूसरे के, आपको करना है। और इवेंचुअली सर सब अपना अपना फैसला करेंगे तो कलेक्टिवली मुल्क तो ठीक होगी। अगर किसी ने सही कपड़े नहीं पहने, आपको पसंद नहीं है, तो नजरें दूर करें, मत देखें उसे, उसे जाके कंट्रोल मत करें। अपने आप नजर नीची करने का हुक्म दिया गया है ना, खाली अगले को तो नहीं कहा गया, आपको भी नजर नीची। लॉ एनफोर्समेंट आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लॉ अबाइडिंग आपकी जिम्मेदारी है। जिन लोगों को बिरयानी की प्लेटें खा के असेंबली में भेजते हैं, लॉ वो बनाते हैं, एनफोर्स वो करते हैं जो यू नो हर तरह से पैसा वेलकम करते हैं, वो आपका पैसा ले जाने में कोई आर नहीं समझते, उसकी इंटरप्रिटेशन वो करते हैं, जुडिशरी आपकी वो है जो अपना हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको फैसला करना है कि आप आज़ाद हैं या नहीं है, आज़ाद होना है या नहीं होना है। अपना ख्याल रखिए और अपने इस कमेंट्स, अपने फीडबैक, अपने इंटरेक्शन हमसे कंटिन्यू रखिए, हमें बताइए किस चीज़ पे बात करना चाहिए, हमारी रहनुमाई कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर कोई प्रोग्राम, कोई सोसाइटी, कोई मुल्क, कोई मुआशरा ना बन सकता है, ना तरक्की कर सकता है। थैंक यू।